और इलेक्ट्रॉनिक सिटी वहाँ पे बनने की बात है, जो आप कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स, ये सारी चीज़ें हमने दी हैं पूर्वांचल में, और बनारस में तो छप्पर फाड़ के है। दिनेश सर, एक प्रैक्टिकल लड़कों को प्रॉब्लम होता है, खासकर परीक्षा के दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं का, और उसी समय मतलब जो एनुअल एग्जाम हमारे वहाँ नहीं है। अब वो सब चीजें मैंने देख के की, आपकी आपकी नहीं आएगा कहीं, सारा चीज देख लिया मैंने। सर, आपने अभी एक बात कही थी कि डिग्री कॉलेजों में यूजी सिस्टम, यूजी की पढ़ाई, और विश्वविद्यालयों में उससे ऊपर, ये प्रयास चल रहा है? नहीं, मैंने सुझाव मांगा है। सुझाव आपने मांगा है? हमने सुझाव मांगा, अभी किया नहीं। अब क्या होता है, मैं कुछ भी करना चाहता हूं तो पहले लोगों की राय मांगता हूं, और अभी मैंने कहा है कि इसका इसकी हम लोग सुझाव मांग रहे हैं लोगों से। अच्छा, ये वो है शर्मा जी, और केजी टू पीजी ये भी एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैंने लोगों से राय मांगी है। केजी टू पीजी शर्मा जी, अभी आपका ये जो दौरा है, आप किन विषयों पे मतलब यहां पर, और क्या विषय वस्तु आपने? देखिए, शिक्षा में व्यापक सुधार हो, नकल विहीन परीक्षा हो, और सभी विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, तो सामान्यतः सभी जगह मैं समीक्षा बैठक लेता हूं, और मुझे खुशी है कि हमारे काशी विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय की आज माननीय कुलपतिगण के साथ में भी चिंतन हुआ है, और हमारे जो मंडल है वाराणसी मंडल के अधिकारीगण शिक्षा से संबंधित आए थे। परीक्षा समय से हो, नकल विहीन हो, और उससे पहले सभी विद्यालयों में पठन पाठन ठीक से चले, इसके लिए आज हमने मांगा है, उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं, और हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पहली बार हम माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में जो ढाई ढाई महीने तक चली हैं परीक्षा, उनको केवल 16 कार्य दिवसों में करने जा रहे हैं, और 16 कार्य दिवस में हमने कुंभ के जो प्रमुख तिथियाँ हैं, वो जो त्यौहार हैं, उनको हटा के रखा है। समय से परीक्षा, समय से कॉपी चेकिंग, और समय से परिणाम, इन तीन चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। शर्मा जी, अभी आपने प्लेसमेंट की बात की है, रोजगार परक शिक्षा हो, इसके लिए हम लोग एक मोबाइल ऐप को जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, स्किल कनेक्ट करके, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित, के वो जहाँ पर हमारे कौशल विकास केंद्र हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, तो लगभग 2700 के आसपास हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो उनको हम अपने माध्यमिक शिक्षा के, हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए, ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए, उनको हम उसे उस ऐप के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, जो 15 किलोमीटर की रेंज में जो कौशल विकास केंद्र हमारे विद्यालय के होंगे, सरकारी विद्यालय के,